इन दिनों डेंगू मलेरिया और वायरल फीवर जैसी बीमारियों ने जनमानस को बहाल करके रखा है। शायद कोई घर ऐसा ना बचा हो जहां पर बुखार के मरीज ना हो। सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल, यहां तक कि गली मोहल्ले में प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी जाड़े बुखार के मरीजों को दवाई का इलाज करते करते परेशान हो गए हैं। लेकिन बीमारी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गांव-गांव और शहर के मोहल्ले मोहल्ले फॉगिंग का काम हो रहा है ताकि बीमारियां खत्म हो सके। अगर हम बात नगर पंचायत पागबाड़ा की करें तो नगर पंचायत पागबाड़ा के चेयरमैन मोहम्मद याकूब लगातार जनमानस का ख्याल रख रहे हैं और समय समय पर पूरे पागबाड़ा की फॉगिंग करा रहे हैं, दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं, साफ सफाई का ध्यान दे रहे हैं। मुस्तैदी के साथ काम हो भी रहा है। नगर पंचायत पागबाड़ा के चेयरमैन मोहम्मद याकूब के प्रतिनिधि दानिश मलिक द्वारा बताया गया कि पागबाड़ा के प्रत्येक मोहल्ले में स्वच्छता अभियान की टीम लगातार काम कर रही है। सुबह झाड़ू लगाने के साथ साथ नालियों की गंदगी को साफ कराया जा रहा है। नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है। फॉगिंग कराई जा रही है ताकि मलेरिया और डेंगू का क्रोप कम हो सके। हमारा प्रयास यही है कि हम अपनी जनता को स्वच्छ माहौल दें, बीमारी को खत्म करने का काम करें। नगर पंचायत पागबाड़ा के अधिशासी अधिकारी रजनी सिंह नगर पंचायत पागबाड़ा की मॉनिटर कर रही हैं। समय समय पर मीटिंग लेकर वो अपने कर्मचारियों को निर्देश भी दे रही हैं। जनमानस से उनके द्वारा अपील भी की जा रही है कि सभी लोग स्वच्छता अभियान में सहयोग करें और अपने आसपास गंदा पानी जमा ना होने दें। अगर गंदा पानी जमा होगा तो मच्छर पनपेंगे, कई तरह के जीवाणु पैदा होंगे जो बीमारी पैदा करते हैं। इसलिए अपने आसपास के माहौल को साफ रखें। घर में अगर कोई बुखार का मरीज है तो की दवाई लेते रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, खुले में बिल्कुल ना सोएं। चेयरमैन मोहम्मद याकूब द्वारा बताया गया कि पागबाड़ा की जनता के लिए उनके द्वारा वो सभी कार्य किए जा रहे हैं जिससे जनता को राहत मिले। समय समय पर फॉगिंग कराने का काम हो रहा है, नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है, साफ सफाई की जा रही है। आज उनके द्वारा पागबाड़ा में पॉलीथीन पर जागरूकता अभियान चलाया गया। पॉलीथीन पर लोगों से अपील की जा रही है कि सभी लोग प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। अगर कोई भी पॉलीथीन का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए पॉलीथीन का बिल्कुल प्रयोग ना करें, गंदगी करने से बचें और पागबाड़ा को स्वच्छ रखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोहम्मद याकूब, आपका बेटा, आपका खिदमतगार। आज जिला अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर नगर पंचायत पागबाड़ा में पॉलीथीन को बैन करने का अभियान चलाया गया, जब्त करने का अभियान चलाया गया, जिसमें मार्केट में सभी लोगों को बताया गया कि जो भी सामान अगर उनको खरीदना है तो अपने घर से थैला लेकर चलें और पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। और जगह जगह पूरे पागबाड़े में अभियान चलाया गया, काफ़ी पॉलीथीन जब्त की गई और बताया गया, समझाया गया कि आगे इस तरह की कोई चीज़ ना हो। और संचारी रोगों को लेकर के क्या तैयारी चल रही है नगर पंचायत की? संचारी रोगों को लेकर के हमारे यहाँ साफ सफाई का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग भी बराबर चल रही है। सब जगह गली कूचों में, नालियों में, हर जगह फॉगिंग हो रही है, दवाई का छिड़काव हो रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि पानी इकट्ठा होने से मच्छर पैदा होता है जिसके काटने से डेंगू मलेरिया वगैरह ये सारे रोग होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।